नमस्कार, जनकवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार के अधिकारियों का बयान, बोले 100 नहीं 1000 दिन का बनाया एजेंडा। एजेंडे में गरीबों के उत्थान पर दिया जाएगा विशेष जोर, महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने पर रहेंगी निगाहें। पीएम मोदी की पावरफुल अफसर लॉबी में इस बार दिखेंगे नए चेहरे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल होंगे बॉस। जम्मू कश्मीर को लेकर पहले से ही गंभीर है केंद्र सरकार, अगले माह तक बदल दिए जाएंगे आईबी और रॉकेट चीफ। राहुल गांधी और प्रज्ञा ठाकुर पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, का वायनाड में जीत से अनाथ होने से बच गई कांग्रेस। साध्वी प्रज्ञा के सवाल पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, बोले शक के आधार पर दी गई थी अमानवीय यातनाएं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस मुख्यालय में बैठक, सोनिया, राहुल, प्रियंका और मनमोहन समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बैठक में इस्तीफे पर अड़े रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्किंग कमेटी के नेताओं ने इस्तीफे से किया मना। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने राहुल के दफ्तर पर उठाए सवाल, कार्यालय के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं को किया दरकिनार। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मची उथल पुथल, राज बब्बर समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को सौंपा इस्तीफा। शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित, बोले आप लोगों को प्रभावी नहीं दक्ष बनाने की है मेरी सोच। मोदी के सफल समारोह में विदेशी नेता को बुलाने पर अभी फैसला नहीं, पिछली बार सार्क देशों के प्रतिनिधियों को दिया था न्योता। पाक के प्रधानमंत्री भी मोदी के शपथ ग्रहण में हुए थे शामिल, इस बार शपथ ग्रहण में पाक पर रहेंगी सभी की नजरें। पीएम मोदी 30 मई को लेंगे अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ, राष्ट्रपति भवन में शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होगा समारोह। पीएम मोदी की बड़ी जीत के बाद नरम पड़े शिवसेना के सुर, संजय राउत ने राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को बताया बड़ा भाई। शिवसेना नेता राउत ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल, बोले मोदी को 25 साल तक कोई टक्कर देने वाला नहीं। राष्ट्रपति कोविंद ने लोकसभा भंग करने के आदेश पर किया हस्ताक्षर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सौंपी विजयी उम्मीदवारों की सूची। YSRCP के विधायक दल के नेता चुने गए जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का संभालेंगे पदभार। जगन के पिता किरण रेड्डी आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं मुख्यमंत्री, पिता की विरासत को लेकर कांग्रेस से जगन का हुआ था विवाद। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जनरल वीके सिंह का बयान, का बड़ी जीत के बाद बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पश्चिम बंगाल में 2 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी ममता की TMC, एक साथ लाइन लगाकर ली BJP की सदस्यता। राफेल डील पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, का पुनर्विचार याचिका बनावटी और आधारहीन। कई बम धमाकों के आरोपी रहे स्वामी असीमानंद का बयान, बोले मुझे और प्रज्ञा ठाकुर को किया गया प्रताड़ित, अब जनता ने कांग्रेस को दी उसके कृत्यों की सजा। जीत के बाद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला, का एक सीट जीतने के लिए लगाया घिनौना आरोप। राहुल गांधी के इस्तीफे पर बोले मोदी के मंत्री किरण रिजिजू, का कांग्रेस में किसमें हिम्मत है जो उनसे इस्तीफा मांगे। संसद के केंद्रीय हाल में भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक, नवनिर्वाचित भाजपा के 303 सदस्यों ने लिया भाग। पीएम मोदी को नवनिर्वाचित सांसदों ने चुना संसदीय दल का नेता, मोदी ने राष्ट्रपति को सरकार बनाने का सौंपा प्रस्ताव। योगी ने महंगाई और कानून व्यवस्था को ठीक होने का किया दावा, बोले विद्युत व्यवस्था और किसानों की समस्या नहीं बन पाई मुद्दा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिया बड़ा बयान, भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री मोदी की सुनामी बताया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह को दी बधाई, बोले जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। दिनेश शर्मा ने न्यू इंडिया के सपने को साकार करने का किया दावा, बोले प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारत का बढ़ाया मान सम्मान। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने भी जीत पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बोले ये सुशासन, निस्वार्थ सेवा, विकास और विश्वास की विजय। पांडे ने विपक्षी एकता पर कसा तंज, बोले परिवारवाद और वोटरों को बंधुआ समझने वालों की हुई पराजय। संघ से जुड़े और विचारक आमिर रशीद ने दिया बड़ा बयान, बोले चुनाव जीतने के बाद जिन्ना के मुद्दे को छेड़ना गलत। आमिर रशीद मुसलमानों को संघ से जोड़ने का कर रहे कार्य, रशीद ने सतीश गौतम के जिन्ना वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। आमिर रशीद ने जिन्ना की फोटो विवाद को हवा देने पर जताई नाराजगी, बोले मुसलमानों को टारगेट करने से बचे सांसद सतीश गौतम। नोएडा वासियों ने डॉक्टर महेश शर्मा का किया जोरदार स्वागत, लोगों ने मिठाई और माला पहनाकर दी जीत की बधाई। सेना की सामरिक क्षमता में इजाफा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। चुनाव को लेकर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, बोले पश्चिम बंगाल में अराजकता ना होती तो भाजपा और सीटें जीतती। भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध, कश्मीर को देश के शेष हिस्से से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क। अखिलेश यादव से चुनाव हारने के बाद बोले निरहुआ, बोले केंद्र में आए तो मोदी ही। अक्षय कुमार ने की पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ, बोले राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए नई सरकार करेगी काम। इस बार संसद में होंगे 40 साल से कम आयु वाले 12% सांसद, 300 से अधिक नवनिर्वाचित सांसद पहली बार पहुंचेंगे लोकसभा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिया बयान,
बोले हमारा अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल सरकार को सत्ता से हटाना। मनोज तिवारी ने दिल्ली में 50 से 52 सीटें जीतने का किया दावा, बोले हम दिल्ली की जनता से कहेंगे कि हमें चाहिए 7 सीटें। सरकार बनते ही सस्ती होंगी दवाएं, डायलिसिस मरीजों को घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी किट। चुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी ने गठबंधन पर कसा तंज, बोले स्वार्थ के लिए समझौता करने वाले नहीं बचा पाए अपना दुर्ग। योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, एनडीए की प्रचंड जीत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। न्यूजीलैंड के साथ अभ्यास मैच के साथ भारत ने की विश्व कप की शुरुआत, कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत कर लिया बल्लेबाजी का फैसला। अभी तक भारत के गिर चुके हैं 7 विकेट, अभी तक टीम इंडिया के बने हैं 100 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।